प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आपकी पाठ्यपुस्तक आकृति के पाठ 3 मुर्गे की बांग पाठ के साथ। देखिए, आज हम आपके पाठ 3 का करेंगे भाषा ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा शब्द 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा के भेद दिए तो 3 हैं, लेकिन 5 होते हैं, आपको पता है, आपने व्याकरण में पढ़ा है। तो देखिए, जो 3 संज्ञा के भेद दिए हैं, हम इन तीनों के 3-3 उदाहरण लिखते हैं। देखो, पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में पता है आपको, खुद का नाम होता है या किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम या किसी किताब का नाम, वो व्यक्तिवाचक होता है। तो देखिए, हमें इसमें 3 उदाहरण लिखते हैं। देखिए, पहला है आपका, यहाँ पर लिखते हैं हम ताजमहल। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है ना, इमारत का नाम है। फिर इसके बाद रामायण, रामायण एक किताब का नाम हो गया, ये भी हमारी व्यक्तिवाचक हुई। और यहाँ पर आप किसी का नाम लिख सकते हैं, अपना या किसी शहर का, यानी कि आगरा लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, तीनों ही शब्द आपके व्यक्तिवाचक हुए, ताजमहल, रामायण और आगरा। तो आगे के जो 2 भेद दिए हैं आपको, इसी तरह से जातिवाचक और भाववाचक के 3-3 उदाहरण आपको स्वयं से लिखने हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7, पर्यायवाची शब्द लिखो। देखिए, यहाँ पर 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए, दिन, दिन का क्या हो जाएगा, दिवस। देखिए दूसरा, वार। और तीसरा, वासर, यानी कि जो शब्द है दिवस, वार, वासर, ये किसके पर्यायवाची हैं, दिन के। ठीक है, आगे के जो पर्यायवाची शब्द है ये आपको स्वयं से पूरे करने हैं। प्रश्न संख्या 8, वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। ऐसे पहला है कुकड़कू। आपको पता है कुकड़कू किसकी आवाज़ होती है, मुर्गी की। तो कुकड़कू शब्द को लेकर हमें एक शब्द वाक्य बनाना है। देखिए, मुर्गा सुबह कुकड़कू की बांग देता है। सुबह ऐसी तो बांग देता है वो कुकड़कू, है ना। ऐसी बच्चों, आगे के जो शब्द हैं इनको आपको वाक्य में प्रयोग करके स्वयं से पूरा करना है। देखिए, जैसे इसमें कुकड़कू शब्द आ गया ना, ऐसे ही आप जो भी वाक्य बनाओगे उनमें ये शब्द जरूर आने चाहिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित जानवरों का उनकी आवाज़ से मिलान करो। ये देखिए, जानवरों के नाम हैं, यहाँ पर उन जानवरों की आवाज़ दी हुई है और हमें इस नाम को देखकर उनकी आवाज़ से इनको मिलाना है। देखिए, जैसे मुर्गा, मुर्गा क्या करता है, सुबह ही सुबह बांग देता है। कैसे देता है, कुकड़कू। अब घोड़ा है, घोड़ा का क्या हो जाएगा, हिन हिनाना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इन मिलान को स्वयं से पूरा करना है, इन जानवरों की आवाज़ को जानवरों को उनकी आवाज़ से मिलाना है। अब देखिए गतिविधि कार्य, देखिए आप, दिए गए स्थान में मुर्गे का चित्र बनाकर रंग भरो। इस जगह पर आपको मुर्गे का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 18 और 19 पर भाषा ज्ञान का, ये है आपका प्रश्न संख्या, नहीं है, प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य, ये आपको स्वयं से पूरा करना है अपनी किताब में ही। ठीक है।